चलिए अगले प्रश्न के विषय में चर्चा करते हैं कि प्रश्न है दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम बताइए। दिष्ट धारा के स्रोत का नाम जो है विद्युत रासायनिक सेल, बैटरी, सोलर सेल और डीसी जनित है। ये दिष्ट धारा के स्रोत हैं। तो प्रश्न जो था कि दिष्ट धारा, दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम हैं, के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। इसका आंसर है डीसी जनित्र, डीसी जनित्र और स्टोरेज सेल या बैटरी। बैटरी और ड्राई सेल, ड्राई सेल या जिसको शुष्क सेल कहते हैं, सोलर सेल लेयर, ये दिष्ट धारा के स्रोत है। अगला है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम बताइए। क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम बताइए। प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम बताइए। इसका नाम लिखिए डीसी एसी जनित्र, एसी जनित्र और जल विद्युत धारा, जल विद्युत धारा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि विद्युत परिपथों तथा सदित्रों में विद्युत परिपथों तथा सदित्रों में समानता उपयोग होने वाले उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। दो सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए।
जल सुरक्षा उपाय के नाम लिखिए। विद्युत फ्यूज और भू संपर्कन तार का उपयोग। पहला, विद्युत फ्यूज दूसरा भू संपर्कन तार का उपयोग। ये विद्युत परकल सदस्य से उपयोग होने वाले सुरक्षा यानी कि फ्यूज जो लगाया जाता है, जिस धारा का मान अधिक होगा तो फ्यूज कट जाता है, जिसमें जो धारा आगे प्रवाहित होना बंद हो जाती है, जिससे उपकरण जलने से बच जाता है, नष्ट नहीं होता। अगला प्रश्न है कि 2 किलोवाट शक्ति, 2 किलोवाट शक्ति, 2 किलोवाट शक्ति अनुतांक का एक विद्युत एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ तंदूर। देखिए सवाल में दिया है कि 2 किलोवाट शक्ति अनुतांक का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ में 220 वोल्ट में प्रचारित किया जाता है। जो दिया पहले उसको लिख लें, दिया है पी शक्ति आपको दिया गया है, तो पी इक्वल टू 2 किलोवाट, इसको आप बदल दीजिए वाट में, 2×1000 वाट, इसको खुद कर देंगे आप 2000 वाट। ये कितना दिया है, ये इक्वल टू 220 वोल्ट। ज्ञात करना है विद्युत धारा, हाँ, और एक चीज और दिया है विद्युत धारा, यहाँ पर दिया 5 एम्पीयर पर कार्य करता, तो कह रहा है कि इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं। तो देखें कैसे इसको करेंगे, देखें P इक्वल टू V इंटू आई फार्मूला, तो P का मान दिया है 2000, V का मान 220 गुणे आई, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा 2000/220, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, आ गया 200/22, लगभग 9 आ जाएगा, 9.09 एम्पीयर। इतना जो है ये आया, और इसमें आपको जो धारा दिया है वो 5 एम्पीयर दिया है, तो कहने का मतलब किस अधिकतम विद्युत धारा पर तंदूर क्या होगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि इसे 5 ही एम्पीयर की धारा पर कार्य कर सकता है, और कितना आया है, 9 एम्पीयर आया है, तो अधिक धारा पर जो है उपकरण खराब हो जाएगा और कार्य नहीं करेगा। ठीक, तो लिख लें
इस अधिकतम विद्युत धारा पर इस अधिकतम विद्युत धारा पर इस अधिकतम विद्युत धारा पर तंदूर खराब हो जाएगा और कार्य नहीं करेगा क्लियर, क्योंकि उसका अंतांक 5 एम्पियर दर्शाता है। अनुतांक 5 एम्पियर दर्शाता है कि उसे 5 एम्पियर पर चलाया जाना चाहिए। तो इस तरह से इस प्रश्न को VIP प्रश्न है। ये प्रश्न आपसे अगली बार पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसमें करना क्या है, धारा निकाल लेना है और जो धारा आएगा उसकी और जो यहाँ पर सवाल में दिया हुआ धारा 5 एम्पियर दोनों की तुलना कर लेंगे, क्योंकि इसी 5 एम्पियर पर ही तंदूर कार्य करता है और इससे ज्यादा एम्पियर आ रहा है धारा का मान, तो इसलिए तंदूर खराब हो जाएगा, कार्य नहीं करेगा। अगले प्रश्न के विषय में देखेंगे। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथों में घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आंसर है, यानी एक ही सर्किट से अधिक विद्युत उपकरणों को संयोजित नहीं करना चाहिए। पहला है कि एक ही सर्किट से अधिक
से अधिक उपकरणों को संयोजित नहीं करना चाहिए, उपकरणों को संयोजित नहीं करना चाहिए क्योंकि क्यों नहीं करना चाहिए, इससे अतिभारण हो सकता है, क्योंकि इससे अतिभारण हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि उच्च शक्ति वाले संयंत्रों का एक साथ स्विच ऑन नहीं करना चाहिए, उच्च शक्ति वाले संयंत्रों का स्विच एक साथ ऑन नहीं करना चाहिए। क्लियर? ये दो तरीके हैं जो घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण से बचा सकते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने वाले दो तीन स्रोतों की सूची बनाइए। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले तीन स्रोतों की सूची बनाइए। तीन स्रोत, पहला है एक प्राकृतिक अस्थायी चुंबक के चारों तरफ, प्राकृतिक अस्थायी। देखें जो प्रश्न है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले तीन स्रोतों की सूची, तो पहला एक प्राकृतिक चुंबक है जिसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जैसे आपने देखा कोई चुंबक को तारा लिए है उसके चारों तरफ अगर कोई लोग का कण ले जाइए तो अपनी तरफ आकर्षित करता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। और दूसरा है कि धारावाहिक सीधा चालक है, तो अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो भी उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और धारावाहिक प्रणालिका के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये तीन स्रोत हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे पेपर में और वीआईपी भी है। धन्यवाद। आप नोट्स बनाइए, लिखिए।